और आज सवाल यह है कि सपा सुभाजपा का जो गठबंधन है वो इस मोड़ पर आ गया है कि क्या भी टूट जाएगा। हमारे साथ संतोष जी बने लगातार, उदयवीर जी भी। संतोष जी, सुना आपने जो बात उदयवीर जी कह रहे हैं और उसका जवाब तो हम लेंगे कि जो सामान्य शिष्टाचार होता है, पर मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि कुछ बातें चौराहों की होती हैं, कुछ चौपाल की होती हैं और कुछ कमरे के अंदर की होती हैं। कमरे के अंदर की बातें आपने चौराहे पर कर दी, इसलिए बात बिगड़ गई। अब देखिए वो परिस्थितियाँ क्या थी, आजमगढ़ का चुनाव और रामपुर का चुनाव, यह समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए चुनौती थी जी, क्योंकि वो दोनों सीट आपके पास थे और एक सीट ऑलरेडी माननीय अखिलेश जी के पास थी आजमगढ़ की, और अभी जुमा दो महीना पहले आप 10 के 10 सीट वहाँ जीत रहे हैं, और दो महीने के बाद आखिर कौन सा ऐसी कमी आ गई कि आप अपनी सीट लोकसभा हार रहे हैं, वो भी आपके परिवार का व्यक्ति लड़ रहा है जी। यह विचारणी प्रश्न है। ऐसा नहीं है जैसे एक चर्चा हो रही है कि मान ली नेताजी ने एक बात कहा तो उसकी चर्चा हो गई जी। सच्चाई यह है कि चुनाव के दौरान कम से कम 200 बार मुझे जानकारी है, जब मैं नेताजी से बात करता था तो वो कहते थे कि पांडे जी अखिलेश को आना चाहिए, अखिलेश आ जाते चुनाव लोग जीत जाते, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी दिक्कत हो रही है अखिलेश आ जाएंगे, मैंने वो बार बार रटते थे। और ये भी वो कहते थे कि मैं लगातार मैसेज नीचे भेज रहा हूँ कि भाई आप आओ, एक सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री चार चार बार आजमगढ़ में दौरा कर रहे हैं और आपकी सीट है, आप आओ। स्वाभाविक देखिए, अगर शायद परिणाम पॉजिटिव रहा होता तो नेताजी नहीं बोले होते जी। वो बड़ा प्रयास किए कि अखिलेश जी एक बार दो बार आ जाते। सच्चाई क्या थी आपके मीडिया के लोग जान रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं उदयवीर जी की तरह मैं भी पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ, वो भी बहुत सारी बातें छिपा रहे नहीं बोल रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है कि वो सारी बातों को नहीं कर सकता। लेकिन यह सत्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव के पहले दिन से ही चिंता कर रहे थे, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे पूर्वांचल के जितने बड़े नेता थे जी, बिल्कुल सुना आपने शैलेश, तो ये कह रहे हैं पांडे जी कि चुनाव के पहले से बार बार चाह रहे थे ओपी राजभर की अखिलेश यादव आए और वो आते तो चुनाव जीत जाते, अब चूंकि वहां पर उनके नाने से हार हुई तो चीजें कहनी पड़ी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं कही जा रही हैं शिष्टाचार को देखते। और एक सवाल और ऐड कर लीजिएगा, वो संतोष पांडे जी ये भी कह रहे थे कि सामान्य शिष्टाचार होता है कि जब बड़ा मौका होता है तो निमंत्रण मिलने पर कोई जाता है किसी के यहाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने भी वो बातें सुनी जो अभी संतोष पांडे जी बोल रहे थे, और उदयवीर जी भी इन बातों को सुन रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उदय जी, आपने सारी बातें सुन ली, उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव जी जाते वहाँ पर जीत गए होते, कई बार कहा जा रहा था वहाँ पर कि उन्हें आना चाहिए, पूरी बात आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, एक सवाल तो भविष्यवाणी जैसा है कि अखिलेश जी जाते तो जीत जाते, नहीं गए तो नहीं जीते, ये तो भविष्यवाणी जैसा है। वो जाते तब उसका परिणाम मालूम चलता, जीत सकते थे या नहीं जीत सकते थे या जो भी परिस्थितियाँ। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल असत्य है कि वो बार बार संदेश दे रहे थे कि अखिलेश जी को आना चाहिए, किसको दे रहे थे? मैं ही तो वो व्यक्ति हूँ जिस पर संदेश आता था, उनके बेटे ने तमाम मुझे संदेश दिए कि ये इंतज़ाम कराइए, ये व्यवस्था कराइए, ये कराइए, वो मैंने चीज़ें अपनी पार्टी को पहुँचा बता दी कि ऐसे ऐसे ये उन्होंने कहा है। एक बार उन्होंने किसी ने कहा होता कि अखिलेश जी को आना चाहिए, चुनाव का परिणाम निकला, परिणाम निकल के गेट तक धर्मेंद्र यादव जी नहीं आ पाए तब तक ओमकार राजभर जी का बयान आ गया था। सवाल ये है, परिवार का व्यक्ति लड़ रहा था, उनकी खुद की सीट थी, इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता हैं सुभाषपा के हिसाब से, उनका अपना बेटा चुनाव हार गया, पूरा पूर्वांचल हम जीत रहे थे, बनारस में हार, ये कोई बात थोड़ी होती है। हर चुनाव नया होता है, उसकी परिस्थितियाँ नई होती हैं, 10 तारीख को सरकार बदल गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत चुनावी विश्लेषण अलग चीज़ है और विश्लेषण उन्होंने करना चाहिए। हमारी एक बात यह है कि अगर वो अच्छे मन से कर रहे हैं तो उन्हें अखिलेश जी के पास आके कार्यालय में बैठ के विश्लेषण करना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2022 में भी बहुत सारे परिणाम जो हमने सुभाषपा से कहा उन्होंने नहीं मानी, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां हुई, हमने तो कभी किसी से चर्चा नहीं की, जो चर्चा की अरविंद राजभर जी से की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने गलत किया जिसका दोष मुझे व्यक्तिगत लगा या हमारी पार्टी को लगा, लेकिन हमने तो उनको बदनाम नहीं किया, हमने तो नहीं बताया कि ये अरविंद राजभर जी की कहने की वजह से हुआ है या ये ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हुआ है, हमने वो बातें नहीं की। तो गठबंधन का धर्म ये कहता है कि अच्छा बुरा जो भी हुआ उसका आकलन अपने कमरे में करिए, और अगर आपको
कोई शिकायत है समाजवादी पार्टी से तो आप शिकायत करेंगे, उनको बताना चाहिए कि जब वो मऊ में थे उन्हें कहा हमें बुलाया नहीं, तो उन्होंने भरी मीटिंग में प्रेस करके आप लोगों के सामने कहा कि मैं 12 तारीख को प्रेस करूंगा, 12 तक इंतज़ार करूंगा, फिर 8 तारीख को मुख्यमंत्री के यहाँ चले गए अपनी डेडलाइन को तोड़ के, फिर उन्होंने कहा मैं 16 तारीख को प्रेस करूंगा, फिर आज 15 तारीख को उन्होंने, तो ये बार बार कौन बदलवा रहा है उनका प्रोग्राम, कौन उन्हें कंपेल मजबूर कर दे रहा है कि वो अपनी घोषित प्रोग्राम को रद्द करके पहले कर लें बाद में कर लें जी। जो भी अध्यक्ष शक्तियां हैं, जो भी पर्दे के पीछे से काम करने वाली शक्तियां हैं, उसके बारे में बिल्कुल तो तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब शायद भविष्य में मिलेंगे, लेकिन हर पक्ष अपनी अपनी शिकायतें कर रहा है। बहुत शुक्रिया उदयवीर जी आपका और संतोष पांडे जी आपका भी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, सवाल जवाब चल रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि ये जो गठबंधन बना था, जो गुलदस्ता बना था, ये बच पाएगा या फिर स्थितियाँ लगातार बिगड़ती चली जाएंगी। खास पेशकश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।